भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और उनमें कई वीर योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपना सब कुछ त्याग कर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का उद्घोष करने वाली रानी लक्ष्मीबाई भारत देश के उत्तर में स्थित झांसी की रानी थी। इनका जन्म एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ। उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था। उसने नियम निकाला कि जिस राज्य में राजा नहीं है वहां अंग्रेजों का अधिकार होगा। उस समय रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव निवेलकर की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पास एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। मार्च 1858 में अंग्रेजों से लगातार दो हफ्ते तक युद्ध किया जो वह हार गई थी। इसके बाद वह ग्वालियर चली गई जहाँ एक बार फिर उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ। 1857 में हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का विशेष योगदान था। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। धन्यवाद।